हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नाश्ता बनाने जा रही हूँ। आदित्य ऑलरेडी क्लास अटेंड कर रहा है। टाइम शायद आपको दिख रहा है, इट्स 9:30। एंड बेड का ये जो है, पहले जो भी इसके ऊपर शीट्स होती है वो फोल्ड कर देना बेटर है, ब्लैंकेट हो गया या जो भी है। एंड ये नहा रहे हैं, तो आज बेसन का चीला बनाना सोच रही हूँ। आदित्य पता नहीं क्या देखे, बस एक क्लास के बाद उसको ब्रेक मिला है। हॉल स्टोर का ही है ये। बाहर नारियल पानी बेच रहे हैं, तो वो वाली साउंड आ रही है। तो फ्रेश होने के बाद अभी आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। एंड इतना सारा काम करने के बाद क्या होता है, दर्द होती है, कमर दर्द होती है, पैर दर्द होते हैं, घुटने दर्द होते हैं, क्योंकि 30 की एज के बाद क्या होता है, आपकी जो हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है। तो दैट मीन्स आपको उसके बाद कैल्शियम इनटेक पक्का करना चाहिए। कैल्शियम के लिए आई यूज दिस। दूसरी बात, जो भी प्रोडक्ट्स है वो सब बहुत ही बेहतरीन है, आपको पक्का अपने सप्लीमेंट्स में इनको ऐड करना चाहिए। बॉडी को भरपूर जो है, ये आपके बोन्स को बूस्टअप करने के लिए प्रॉपर आपको एनर्जी देता है, ताकि हड्डियां कमजोर ना हो, तो ये आपको बराबर वो बूस्ट देता है। तो अगर इसके ऊपर मैं पढ़ू क्या लिखा हुआ है, इट इज ओजिवा प्लांट बेस्ड हर बोन्स, यानी कि स्पेसिफिकली हम लेडीज के लिए है, क्योंकि लेडीज को जनरली बोन इश्यूज ज्यादा आते हैं 30 के बाद। एंड 30 के बाद आपको बोन इशू आने के बाद शुरू नहीं करना चाहिए, पहले से ही शुरू कर देना चाहिए। तो इसमें है कैल्शियम, विटामिन D3, K2, MK7, जो आपको स्ट्रांग बोन्स एंड हेल्दी जॉइंट्स देता है। जनरली क्या होता है, हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो जो है हड्डियां ना टक टक करती रहती है, क्योंकि कैल्शियम की कमी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप इसको इनटेक करोगे तो आपके जो बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट हो जाएगी, पेन्स भी नहीं आएंगे। एंड जो जॉइंट्स है उसमें भी जो गम होता है ना, आपके पैरों में दर्द तब आता है, क्योंकि एज जब बढ़ती रहती है तो पैरों में जो गम होता है हड्डियों के बीच, वो गम खत्म होता है। तो ये जो है आपके गम को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, जिससे कि आप जैसे यंग टाइम पे रहते थे, जैसे टीनेज के टाइम पे रहते थे, आपकी हड्डियां एंड ऑल वैसे ही रहेगी। सो इसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स, और ये इसके अंदर कैप्सूल आती है, स्पेसिफिकेशंस भी मैं आपको दिखा देती हूँ, प्लस इसके की पॉइंट्स क्या है वो सब भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो ऑल लेडीज जो भी आज वीडियो देख रहे हैं, आप ये सब कंज्यूम करो, प्लस अपनी फ्रेंड्स जो है व्हाट्सएप ग्रुप में या जो भी आपके रिलेटिव, सबके साथ शेयर करो, बिकॉज आप उनकी हेल्थ को और बेटर बना रहे हो। सो इसके अंदर जो कैप्सूल आती है आप बेड टाइम से पहले ले सकते हैं, एंड थोड़ा बहुत पहले भी ले लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है कि बस आपको स्किप नहीं करना है, एक दिन में 2 कंज्यूम करनी है। तो ये डाल लेते हैं जरा, दूसरी है, तो ये देखिए, ये है ओजिवा का प्लांट बेस्ड हर बोन्स, यानी कि हमारी जो हड्डियां हैं उनका ये ख्याल रखेगा। 3x बेटर एब्जॉर्प्शन, जैसे आपके जो बोन्स है अगर वीक हो रहे हैं वो सब स्ट्रांग हो जाएंगे। एंड यहाँ पे आप इसके सारे इंग्रेडिएंट्स भी देख सकते हैं, तो इसमें कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जो आपको किसी भी तरह से हार्म करेगा, जो यहाँ पे देख के आपको पता लग जाएगा। इट इज सोया फ्री, ग्लूटेन फ्री, नो प्रिजर्वेशन, नो GMO, FSSAI से प्रमाणित है। देखिए ये बेटर क्यों है वो भी यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, बोन बिल्डिंग ब्लेंड, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ब्लेंड एंड हार्मोनल बैलेंस ब्लेंड। सो आई थिंक आपकी हड्डियों को स्ट्रांग बनाने में इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है। एंड आपको मैं नजदीक से एक बार इसके कैप्सूल भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, दीज आर द कैप्सूल्स जो आपको बेड टाइम से पहले 2 लेनी है विदाउट फेल, एंड उसके बाद मिल्खा सिंह बन जाना है। ये कहा ना मैंने, मिल्खा सिंह बनना है, सबने बनना है, क्योंकि एज बढ़ते बढ़ते क्या होता है, जब आपकी डिलीवरी हो जाती है आप वैसे भी वीक होते रहते हो, बिकॉज डिलीवरी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, उसके बाद आपकी बोन्स ऑब्वियसली उस पर इफेक्ट करता है। तो आप अगर स्ट्रांग रहोगे तो आप मिल्खा सिंह बन के घर में बच्चों की, पति की रिक्वायरमेंट एंड अपनी रिक्वायरमेंट मेनली पूरी कर पाओगे। आप फ्रेश, मतलब आप जितना हेल्दी रहोगे आपकी फैमिली उतनी ज्यादा खुश रहेगी, क्योंकि बोलने के लिए बोलते हैं कि जो हस्बैंड है हेड ऑफ द फैमिली है, बट आई डोंट बिलीव वाइफ्स आर हेड ऑफ द फैमिली। अगर एक दिन हमको बुखार आ जाए, कुछ आ जाए ना,
पूरा सन्नाटा फैल जाता है, कोई भी चीज ट्रैक पे नहीं चल रही होती है। सो अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं, अपने आप को स्ट्रांग बनाने में कोई भी कमी मत छोड़िए, तो इसका लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना एंड कंज्यूम करके देखो, यू विल सी द डिफरेंस। आपके अगर कोई एड़ियों में दर्द था या बोन्स में या सीढ़े चढ़ते टाइम घुटनों में दर्द था, सब कुछ रफू चक्कर हो जाएगा, गारंटी है मेरी। अब चलते हैं ब्लॉग के अंदर। ओके, तो ये चिल्ला रहा है, आपको समझ में आ चुका होगा। अभी बज रहे हैं 6:30, मतलब 6:40 हो रहा है, एंड अभी हम हैदराबाद के लिए निकल रहे हैं, ओनली 2 दिन के लिए, क्योंकि कुछ ज़रूरी काम है। तो बहुत दिन से निकलने के लिए सोच रहे थे, बट आने के बाद इतनी थकान हो गई थी कि निकल नहीं पाए। तो सही के लिए उधर अभी निकल रहे हैं, एंड कोई खास क्या बोलते हैं पैकिंग नहीं है, बस हैंड बैग है ये एक, मतलब इसमें छोटे जूते चप्पल वो डाल रखे। अभिषेक साइकिल पकड़ नहीं बेटा, मैं छोटू सा बैग है, दो दो ड्रेसेस रखी है खाली और कुछ भी नहीं रखा है। और अभी निकल रहे हैं, तो बत्ती बुझाओ, ताला लगाओ। तो ताला लग चुका है एंड बच्चों के एक्साइटमेंट जो है बढ़ती ही जा रही है। लिपस्टिक का कलर कैसा लग रहा है? लग तो लगा तो लिया, मैच हो रहा है कि नहीं पता नहीं, जो भी है। एंड ये रहा, हाँ, और ये रहा छोटू सा बैग, बस इतना सही है। चप्पल पहनी हुई है, जो सैंडल है वो इसी के अंदर घुसा के रखी है। चलो कार्तिक इब्राहिमपट्टनम पहुंच गए हैं। जब नई नई शादी करके आए थे तब ये इब्राहिमपट्टनम जो यहाँ पे है, यहाँ पे इनकी जो थी ड्यूटी थी यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर स्टेशन में। और शादी करने के बाद सबसे पहले मतलब हम लोग घर में नहीं रहे थे, होटल में आके यहाँ रहे थे। तो ये जो पीछे एक होटल गया है पूर्णमी, उसमें रही थी मैं 1 महीने। मतलब स्टार्टिंग के 2-3 दिन तो अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद ये ऑफिस चले जाते थे एंड होटल में आजू बाजू कोई पड़ोस में तो रहता नहीं है, खाली रहता है। एंड ये क्योंकि आउटस्कर्ट्स में है तो होटल में रूम्स भी पूरे खाली ही रहते थे। तो कम से कम 1 महीना रही थी मैं, टीवी भी नहीं चलता था और उस टाइम पे नेट भी नहीं था, तब जीवन में सबसे गंदा वाला टाइम वो था। उसके बाद फिर मैं चली गई और उसके बाद अगले महीने जो है फिर हमने एक घर रेंट पे लिया था यहीं पे, फिर वहाँ से हमारी जो है जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो जैसे ही एरिया आता है ना तो पुरानी यादें फिर ताज़ा हो जाती है। दोनों मेरे को पिलाए सो भी गए, कैसे लेटे ये लोग, ब्लैंकेट में लेके आई हूँ, ओढ़ना पड़ेगा इनको। एंड हेडफोन्स लगा लिए मैंने, ऐसे ही कोई कॉल आएगा तो हाथ में पकड़ के कौन बात करे, ऐसे लगा लेंगे तो चलेगा करके के रखा है। जस्ट अभी हमने कोदाड़ा क्रॉस किया है एंड सूर्यापेट के नज़दीक में, थोड़ी देर पहले बोर्ड दिखाया था 40 किलोमीटर और बाकी है। तो पहुँचते पहुँचते शायद हम लोग को घर पहुँचते पहुँचते 11 बज जाएंगे, ये पहले तो लेटा हुआ था, उठ के बैठ गया अभी ये। तो अभी चाय पीने का मन कर रहा है। आज सुबह मैंने नाश्ता ही नहीं किया ढंग से एंड दोपहर को भी फिर थोड़ा थोड़ा ही खाया, ढंग से खाया नहीं। और अभी आने से पहले जो है चावल एंड जो भी बचा हुआ था वो वॉचमैन भैया को दे दिया, क्योंकि उसके बाद हम अभी 2 दिन नहीं रहेंगे तो ख़राब हो जाएगा करके। एंड फ्रिज में रखने से रहेगा लेकिन
मैं जो भी है जब भी कहीं जा रहे होते हैं तो सबको जो है वॉचमैन भैया को दे देती हूँ। अभी मम्मी ने जस्ट फोन किया कि कहाँ पे पहुँचे हो, तो मैंने बोला यहाँ यहाँ पे पहुँचे हैं। मैं बोला अच्छा डिनर में क्या बना रहे हो, तो मम्मी हंसने लगी। मैं बोला बताओ तो क्या क्या बना रहे हो, क्योंकि मेरी मम्मी की खातिरदारी ना मेरे को, अभी इतने सारे घरों में जाते हैं लेकिन कोई भी हमारे घर पे आता है चाहे हम हो चाहे कोई बाहर वाला हो, हमारी खातिरदारी देख के जो हॉस्पिटैलिटी होती है सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। एंड मम्मी ने बोला पहले तो पापा फिश लेके आ गए थे, लेकिन मम्मी ने बोला अरे आदित्य तो खाएगा नहीं, क्योंकि आदित्य को फिश कोई खिलाए तो खा लेता है बट उतना इंटरेस्ट नहीं रहता उसको, चिकन और मटन ये ज़्यादा पसंद है। तो फिर बाद में फिर चिकन दोबारा लेके आए। एंड इस दौरान जब कहीं जाते हैं तब अपनी डाइट का तो होता है गुड़ गोबर, तो इसलिए इन जब घूमी घूमी होती रहती है तो डाइट को मारो गोली एंड खाओ दबा के, क्योंकि मम्मी का खाना हाथों का खाना बार बार मिलता नहीं है, है ना। तो मम्मी के घर जाते हैं तो मेरा वेट पुट डाउन हो जाता है, कहीं और जाते तो इतना नहीं होता, लेकिन मम्मी के घर हो जाता है, लेकिन पुट डाउन करेंगे और आके घटा भी देंगे उसको। सो अभी लग रहा है कि जल्दी कब घर पहुँच जाए। एंड अभी हैदराबाद ही नज़दीक लग रहा है, क्योंकि जब ससुराल जा रहे थे वहाँ पे 5 घंटे लग रहे हैं बिकॉज ऑफ द हाईवे कंस्ट्रक्शन एंड ऑल, एंड यहाँ पे ओनली 3.5-4 घंटे में पहुँच जाएंगे। अभी तक हम रास्ते में कहीं रुके नहीं, अगर रुकेंगे तो आधा घंटा वहाँ वेस्ट होगा चाय पे लेकर, चाय इस चीज़ के लिए। अगर नहीं रुकेंगे तो 3.5 घंटे में इससे पहले भी पहुँच चुके, जब कोरोना के टाइम पे गए थे ना तब रास्ते में कहीं पे भी नहीं रुके थे तब, क्योंकि बहुत ज़्यादा केयर हो रखा था कोरोना का, लेकिन अभी तो चाय वाय तो पी सकते हैं, तो उस टाइम पे तो 3.5 घंटे में पहुँच जा रहे थे। एंड अभी हैदराबाद जाना ही ईजी लग रहा है ससुराल जाने से, क्योंकि टाइम कम लग रहा है। सो जर्नी अच्छी खासी हमारी चल रही है बातें करते करते, मैं और मेरे हस्बैंड जो है इलेक्शन में क्या क्या हुआ, किससे किससे कैसे कैसे बातें करी, ऑल दोज थिंग्स वी आर शेयरिंग। एंड यू नो ऐसे जर्नी इतनी दूर आ गई पता भी नहीं लगा, इतनी जल्दी वी रीच्ड हियर और बातें करते करते। तो जर्नी में जो है जो लॉन्ग ड्राइव्स होती है ना, यू शेयर सो मैनी थिंग्स, तो बहुत आराम से जो है आपका सफ़र कट जाता है। चलो आगे के सफ़र में आप भी बने रहो, आई विल कीप अपडेटिंग यू व्हाटएवर हैपनिंग। चलो देन अभी पहुंच चुके हैं हम लोग सूर्यापेट ज़रा चाय पीने के लिए, एंड बच्चे तो अभी से बोल रहे हैं भूख लग रही है, 8:30 हो रहे हैं अभी, कम आ रही थी दोनों नींद में से अभी अभी उठे हैं। हाँ पोस्ट कॉफ़ी डाल दो, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि बूस्ट पीना है, कि मैं बूस्ट नहीं पीना है भैया, जनरली इतना पसंद नहीं है मुझे, चाय ज़्यादा पसंद है, तो कॉफ़ी पूछो तो मैं बस चलो कॉफ़ी ले लेते हैं। गाने चल रहे हैं एंड हम लोग ना स्वीट बॉक्स की तलाश में थे, क्योंकि जीत की खुशी में मम्मी लोग पहले ही बोल रहे थे कि जीत गए, ससुर जी को जिता दिया, कोई पार्टी वार्टी नहीं दे रहे हो क्या, तो स्वीट रास्ते में लेना सोचा था फिर बातों में भूल गए, एंड यहाँ पर कहीं मिलता तो देखते हैं। उसके अलावा जो फ्राइड चने होते हैं वो, एंड मेरे को गजक होती है ना जो गजक मॉडल में लड्डू दिए होते हैं जो आपको दिखाया था ना मैंने, ये दोनों ये लिए है, हॉट एंड स्वीट दोनों होना चाहिए ताकि थोड़ा स्वीट स्वीट होने के बाद हॉटनेस मिलती है तो वो काफ़ी अच्छा लगता है टेस्ट, एंड कॉफ़ी भी काफ़ी अच्छी है, घर वाली कॉफ़ी जैसी लग रही है।
अदरवाइज बाहर की कॉफी इतनी ज्यादा मुझे बढ़िया नहीं लगती। का ब्रेक लिया, ओनली 10 मिनट्स एंड वी स्टार्टेड अगेन। नाउ आई एम टेकिंग आउट दिस टू टेस्ट कि कैसा है। थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा नमकीन, इतना सा डब्बा हाईवे पे 80 रुपीज का है, बाहर तो ये 10-20 रुपए में आ जाता था। टेस्ट ठीक ठाक है, चिक्की है, लड्डू के टाइप में बना के रखते थे यहाँ पे। बहुत नाइस। उन दोनों ने एक एक दांत फैंटेसी ली है, दोनों के लिए अलग अलग लेना पड़ता है, नहीं तो विश्व युद्ध हो जाता है यहाँ पे। सो 10:20 हो रहा है एंड हैदराबाद पहुंचने के लिए और 48 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर्स के आसपास दिखा रहा है। तो अभी मैं इसलिए उठ के बैठी थी कि रामोजी फिल्म सिटी आने वाला है शायद, मतलब 40 किलोमीटर इतनी जल्दी कहाँ आएगा, तो बहुत दूर है। बट मैं इसलिए ऐसे पीछे को लेटी थी, कमर तो धोती करके, ये आगे आ गया तो इसलिए ये है गोदी में करके इसको मैंने चेयर को पीछे करके मैं लेटी थी। एंड आदित्य जो है पीछे लेट गया और बोल रहा था कि मम्मी इसको यहाँ मत भेजो, मेरे को भेजने लेटने में डिफिकल्टी हो रही है, लास्ट सीट भी खाली है उसमें भी लेट सकते हैं ना। लेकिन दिन दोनों को गया, आदित्य को भी डर लगता है अकेले सोने में और इसको ये तो है ही छोटा, तो इसलिए कोई पीछे जा ही नहीं रहा है। सीट पूरी एक होते हुए भी यूज़ नहीं हो रही है, ऐसी पड़ी हुई है। चने और वो गचक टाइप की खा के ना पेट जरा सा भर सा भी गया है, तो पूरा ना भर जाएगा करके, भर जाएगा करके रोक दिया, क्योंकि फिर घर जाके खाना नहीं खा पाएंगे। मम्मी ने इतनी मेहनत से जो बनाया होगा, जो लिपस्टिक है अच्छी लग रही है मुझे। पहले स्टार्टिंग में जब लगाई थी कुछ डार्क डार्क सी लग रही थी, अभी थोड़ी फेड हुई है तो प्रॉपर नेचुरल कलर आया है लग रहा है। जस्ट आने ही वाला है एंड माउंट ओपेरा क्रॉस होती है उसके 1-2 किलोमीटर के डिफरेंस में ही जो है रामोजी फिल्म सिटी आता है। एंड ये क्या बताऊँ, हम इतने साल से हैदराबाद में हैं, मतलब शादी से पहले भी इतने साल थे एंड बार बार आना जाना होता ही रहता है हैदराबाद में, लेकिन एक बार भी हम लोग जो है रामोजी फिल्म सिटी देखने ही नहीं गए। बोलते हैं ना जिसके जो जिसके नज़दीक में होता है ना उसकी कदर नहीं होती है। लोग जो है बाहर से, विदेश से, हर जगह से आके रामोजी फिल्म सिटी देखते हैं एंड हमने अब तक नहीं देखी है। एंड रामोजी फिल्म सिटी का जो क्रेज़ है बाहुबली मूवी के बाद तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि उसका सेट जो तब बनाया था वो वैसा का वैसा रखा है, अदरवाइज सेट बार बार चेंज होते हैं, लेकिन वो एक सिम्बॉलिक टाइप में रह गया है। तो हम लोग जब पिछली बार आए थे, दिसंबर में आए थे हमारी एनिवर्सरी के टाइम पे, तो उस टाइम पे मारणपल्ली जाने वाले थे, नहीं गए। हमने सोचा रामोजी फिल्म सिटी जाएंगे, लेकिन कोरोना की वजह से सब कुछ बंद था एंड रामोजी फिल्म सिटी आ चुका है। वेट, लेट मी शो यू। नानो स्लो चे, ये देखो, ये है रामोजी फिल्म सिटी का एंट्रेंस। दिखा दिया मैंने आपको रामोजी फिल्म सिटी का एंट्रेंस। तो इस बार हमने जाना सोचा था एक्चुअली, वो भी कोरोना के टाइम पे, तब तो एंट्री ही नहीं थी, मतलब बंद था। मतलब हम क्योंकि क्या बोलते हैं, हम बहुत सारे लोग को वहाँ जानते हैं, इनके दोस्त भी हैं, आप आके देखना चाहो तो देख सकते हो, लेकिन जब लोग ही नहीं घूम फिर रहे हैं तो फिर हम लोग भी जाके क्या करते, तो उस टाइम पे कैंसिल हो गया। तो अभी शूटिंग्स चल रही है उसके अंदर, लेकिन फिर भी जो विजिटर के लिए जो होता है ना वो अभी भी ओपन नहीं हुआ, ओनली शूटिंग पर्पस के लिए ओपन हुआ है। तो सोच रहे हैं कि कब जाएंगे, अभी तो अगेन इट्स ओनली अ डे स्टे, मतलब आज
जा रहे हैं, कल रुक रहे हैं और परसों फिर वापस हम लोग रवाना हो जाएंगे। एंड पिछली बार भी ऐसी बहुत कम डेज के लिए आए थे तो अभिषेक जो है दुखी हो रहा था, नहीं और रुकना है और रुकना है। लेकिन अभी फिर मार्च में जो है आदित्य के एग्जाम्स भी है, फाइनल एग्जाम्स है, तो फाइनल एग्जाम्स एक बार ख़त्म हो जाए तो पूरी जो है छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद आके फुल फ्लेज रह सकते हैं। तो इसलिए आई वॉज लाइक कि चलो अभी दिल मार के वापस चले जाएंगे एक दिन में। अदरवाइज ये बोल रहे थे कि आप लोग को अगर रुकना है तो यू पीपल स्टे फॉर वन हफ्ता और 10 डेज, बट कमिटमेंट्स है, क्लासेस है, आपको भी मालूम है ना कि हर किसी की लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, सडन प्लान में वो सब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैं आदित्य के एग्ज़ाम की वजह से जो है आई एम स्किपिंग दिस टाइम, बिकॉज वो वहाँ पे रहेगा तो खेल कूद में ज़्यादा ये करेगा, पढ़ाई क्लासेस भी सही से अटेंड नहीं करेगा। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो ये रहा अपना रूम रेडी है, अरे टूट गया मेरा हेडफोन पहले से ही पूरा। सो करेक्ट 11 बजे हैं, बज चुके हैं एंड हम पहुंच चुके हैं घर। तो अभी फ़ोन बंद एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रा टाइम स्पेंड करेंगे। सो आज का वीडियो बस इतना ही, अब आगे के कुछ मई के व्लॉग्स देख लेना आप। एंड अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, घंटी बजाओ, बांटो एंड लाइक चिपकाओ, अंगूठा चिपकाओ। सी यू।